दोस्तों आप जब भी आईपीएल देखते होंगे और जब भी टेलीविजन पर आईपीएल टीमों का डगआउट बताया जाता है तो कई सारे ऐसे लोग टीमों के डगआउट के साथ जुड़े होते हैं, बैठे होते हैं, जिनका बैकग्राउंड क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी आईपीएल टीम के साथ जुड़ सकते हैं, आईपीएल टीमें किस तरह से नॉन क्रिकेटिंग लोगों को भी अपने साथ जोड़ती है, उनका क्या क्या काम होता है, आप कैसे जुड़ सकते हैं, कितनी सैलरी होती है, सारी डिटेल बताऊंगा। बहुत इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली नॉन क्रिकेटिंग पोस्ट जो आईपीएल टीमों में और बीसीसीआई में निकलती है वो होती है भाई मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट। दरअसल दोस्तों लगभग हर आईपीएल टीम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स की जरूरत होती है। अगर हम एक आईपीएल टीम की बात करें तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं भाई, एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट, रीच का डिपार्टमेंट, प्लेयर्स का डिपार्टमेंट, सेफ्टी का डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के लिए आपको एक मैनेजर चाहिए होता है और इन मैनेजर्स का जो रिसर्क्यूटमेंट होता है, इन मैनेजर्स को जो टीमों में जोड़ा जाता है, ये नॉन क्रिकेटिंग लोग होते हैं। मतलब ये कभी क्रिकेट खेले हुए होते नहीं है, लेकिन आईपीएल टीमों के साथ जुड़कर पूरी लग्जरी का भाई कह लें आप आनंद उठाते हैं। अब यहां तक पहुंचा कैसे जाता है वो आप समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों इस मैनेजर की पोस्ट के लिए जो पहली चीज आईपीएल टीमें मांगती हैं वो होती है एमबीए। यू हैव टू बी एमबीए। अगर आप एमबीए नहीं है तो ये आईपीएल टीमें आपके साथ नहीं आएंगी। आप एमबीए हो सकते हैं, अगर वो आपको अकाउंट सेक्शन में जोड़ रही है तो आपको सीए होना भी जरूरी है। तो ये एमबीए और सीए कुछ ऐसी चीज है जो आपसे मांगा जाता है अगर आपको आईपीएल टीमों के साथ जुड़ना है। अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो यू नीड एन एक्सपीरियंस भाई, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस लगभग हर आईपीएल टीम मांगती है मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट के लिए। और अगर आप फॉरेन में पढ़े हो तो आपको शायद एक्सपीरियंस की जरूरत ना हो, लेकिन उसके लिए आपको फॉरेन में पढ़ना भी जरूरी है। तो अगर आप एमबीए कर लेते हैं, 5-7 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कैसे करना है, आप किसी भी आईपीएल टीम के ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल पर खोलिए और वहां पर करियर का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको जॉब ओपनिंग्स पता लग जाएगी जो उस पर्टिकुलर टीम के साथ चल रही है। तो मैनेजर वो पहली जॉब है जो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पढ़ लेते हो तो इज्जत से। दूसरी जॉब जो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं वो है भाई इंजीनियर्स की जॉब। दरअसल दोस्तों आईपीएल टीमों की को भी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि आईपीएल टीमों को मेनली आईटी प्रोफेशनल से जुड़े हुए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, उन लोगों की जो इनकी वेबसाइट्स के, इनके वेब पेजेस को हैंडल आउट कर सके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम भी अच्छे से निभा सके। हालांकि दोस्तों इंजीनियर्स की जॉब इतनी ज्यादा आईपीएल टीमों में नहीं होती है जितनी सोशल मीडिया मार्केटर या सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटर्स की होती है, लेकिन कई बार देखा गया है बहुत सारी टीमों में कई सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो आज की स्थिति में सोशल मीडिया मैनेजर का काम कर रहे हैं। अब इसमें काम होता क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों इंजीनियर का काम ये होता है कि जो वेबसाइट्स चल रही हैं, जो इनके ऑनलाइन फोरम्स चल रहे हैं वो अच्छे से काम करते रहे, और अगर ये कुछ नया कॉन्टेस्ट ऑनलाइन चालू कर रहा है तो वो अच्छे से काम करता रहे, जो कई सारी टीमें करती है। डिजिटल मार्केटर का काम ये होता है कि इनका जो भी डिटेल्स निकल कर आ रही है टीम से जुड़ी हुई वो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो डाल सके। तो आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए, इंजीनियर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए भी जॉब्स होती है। हालांकि इतनी जॉब्स नहीं निकलती है, लेकिन अगर आप इनका वही वेब पेज खोलकर, वेबसाइट खोलकर देखेंगे, करियर ऑप्शन जाएंगे तो आपको अच्छी खासी जॉब्स मिल जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वो तीसरी जॉब की जो नॉन क्रिकेटिंग लोगों के लिए निकलती है, और इस जॉब की बात करने के बाद मैं आपको बताऊंगा पैसे कितने मिलते हैं इन सभी लोगों को। तो भाई जो तीसरी जॉब निकलती है वो निकलती है एनालिस्ट की जॉब। एनालिस्ट का काम क्या होता है वो समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों सबसे पहले आपको करना पड़ेगा स्टैटिस्टिशियन की पढ़ाई। दरअसल दोस्तों इसमें आपको गणित में बहुत निपुण होना पड़ेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस पर्टिकुलर कोर्सेज की स्पोर्ट परफॉर्मेंस के अंदर पढ़ाई कराई जाती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है, गणित आपका अच्छा है, तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप एक एनालिस्ट बन सकते हैं। एनालिस्ट का काम क्या होता है वो समझ लीजिए भाई। एनालिस्ट का काम होता है कि आंकड़ों के आधार पर बताना कि कौन सा प्लेयर कब क्या कैसा कर सकता है। परफॉर्मेंस के आधार पर कोई भी एनालिस्ट नहीं बता सकता, लेकिन आंकड़े ये बता सकते हैं कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, पिछले 2 साल के आंकड़े, पिछले 3 साल के आंकड़े,
तो इस आधार पर जो है स्टेटिस्टिशियन काम करते हैं और एनालिस्ट का जॉब भी बहुत महत्वपूर्ण होता होगा। आप कई बार देखते होंगे कि कई सारे ऐसे नॉन क्रिकेटिंग लोग लैपटॉप लेकर बैठे होते हैं ग्राउंड पर, वो अपना काम जारी रखते हैं क्योंकि ये काम बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये तीन जॉब्स हैं जो निकलती है। उसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने बताया सीए की जॉब भी निकलती है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम होती है। आप पैसों की बात कर ले तो भाई मैनेजर को एक सीजन जुड़ने के अराउंड 25 से 40 लाख रुपए मिल जाते हैं, इंजीनियर को अराउंड 12 से 20 लाख रुपए एक सीजन के मिल जाते हैं। और वहीं दोस्तों अगर हम स्टैटिशियन की बात करें, एनालिस्ट की बात करें, तो ये लंबी जॉब होती है। एनालिस्ट तीन तीन चार चार सालों तक भी जुड़े रहते हैं और हर साल इन्हें भी 40 से 45 50 लाख रुपए तक आईपीएल टीमें दे देती हैं अपने एक साल अपने साथ जुड़े होने के लिए। हालांकि दोस्तों हम देखते हैं कि ये सारे लोग सिर्फ 2 महीने टीमों के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, साल भर इन्हें जॉब करनी होती है क्योंकि टीमें साल भर रणनीति बना रही होती है। इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्या पता कोई आईपीएल टीम अपनी मीटिंग कर रही होगी। तो दोस्तों ये तो थी हमारी एनालिसिस पूरे जॉब ओपनिंग्स के ऊपर जो निकलती है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि क्या इनमें से कोई सी जॉब आपके लिए बनी है या नहीं, या फिर ये आसान है या कठिन है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।